बेहतर तौर तो पर पास कर सकते हैं आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक तालीम हासिल करें वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें रोज़ाना एक से दो घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदान के अखराज में बचत कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल की कोई फीस नहीं है आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे हर मज़मून की मुकम्मल तली वीडियोज़ मौजूद हैं ठीक है बच्चों क्या थोड़ा मैं आपके लिए क्लोजअप कर रही हूँ अच्छे से नजर आ रहा होगा आपको वज़ू के जो लघवे मायने हैं वो हैं रोशन के शरीयत के इस असला में पाकि की नीयत से जिस्म के बाद हिस्सों के धोने को वजू कहते हैं वजू की अहमियत और फजीलत हम बाद में पढ़ेंगे पहले जो हम इसके लफ लफजी जो मायनी है या वजू से क्या मुराद है इसको हम देखेंगे बच्चों वज़ू का जो लब्जी मायनी है ना वो होता है रोशन के हैं अब रोशन उन्होंने इस तरह का है कि जब हम वजू करेंगे वजू आपको पता है कि हर नमाज से पहले हम वजू करते हैं तो जब हम अपने हाथ मुँह साफ़ करेंगे पाँव साफ करेंगे चेहरे को साफ करेंगे नाक में मुँह में कुलियाँ करेंगे पूरा जो इसका एक तरीका है वजू करने का वो हम जब करेंगे तो इससे क्या होता है हमारा जिसम साफ़ होता है जब हमारा जिसम साफ़ होगा तो री बात है कि हमारा जिसम जो है वो रोशन होगा इसलिए उन्होंने इधर वज़ू के लफ्जी मानी रोशन कहा है कि जब हम वज़ू करते हैं तो हम रोशन हो जाते हैं फिर वह आगे हमें ये कह रहे हैं कि ये एक पाक होने की नीयत है जिसमें हम जिसम के मुख्तु औसजाओं को मतलब हिस्सों को साफ़ करते हैं धोते हैं जिसको हम वज़ू कहते हैं जो हम हाथ मुंह या मुंह धो रहे हैं बच्चों पाँव धो रहे हैं धोना होता है ना साफ करना होता है पाक इसको पाक रहना कहते हैं तो ये सब जो है वज़ू के लफ्जी मायने हैं आगे जो है हम वज़ू की अहमियत व फजीलत देखेंगे जिसमें है कि वज़ू नमाज के लिए फ़र्ज है वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत माहदा की आयत नंबर छः में नमाज से पहले वजू करने का हुक्म भी दिया है और वज़ू करने का तरीका भी नाजिल फरमाया है इस्लाम की सारी इबादतों में अफजल तरीन इबादत नमाज है और नमाज अदा करने से पहले वजू करना चाहिए मतलब कि वजू करना फ़र्ज़ है ये मैंने ये पढ़िया बच्चों यहाँ से ले यहाँ तक ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में से बग़ैर वज़ू किसी शख्स की नमाज़ कबूल नहीं होती जब तक कि वो वज़ू ना करे अरे बच्चों वो इसमें ये कह रहे हैं कि वज़ू की अहमियत तो और फजीलत में कि जो वजू है वो नमाज़ के लिए फ़र्ज़ है हमने जब भी नमाज़ पढ़नी है तो हमने वज़ू करना है अगर हमारा वजू किसी वजह से टूट भी जाता है हमें लगता है कि हमारा वज़ू टूट गया अब हमारा वज़ू नहीं है तो हमने दोबारा वज़ू करना है और नमाज़ अदा करनी है कभी भी बच्चों ये याद रखें ऐसा नहीं हो सकता हमारी दुआ और वो जो नमाज है वो कबूल नहीं होगी जब तक हमारा वज़ू नहीं होगा वो तो आगे लाइन में हम इसलिए ये कह रहे हैं कि वजू के बगैर नमाज नहीं होती ये बात आपने याद रखनी है और जो सूरत मायदा है उसकी आयत नंबर छः में उन्होंने कहा है कि वज़ू का तरीका भी हमें बताया हुआ है और हुक्म भी दिया हुआ है कि वजू हमने कैसे करने हैं फिर आगे वह ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम की जितनी भी इबादतें हैं ना उसमें जो अफज़ल तरीन इबादत है मतलब अहम वो नमाज़ है और नमाज करने से पहले हमें वजू करना है तो इससे बच्चों साबित हो जाता है कि जो नमाज है वो हमारे के इतनी ज़रूरी है और नमाज पढ़ना हम सब पर फ़र्ज़ है पांच वक्त अज़ान होती है और हमें पांच वक्त नमाज अदा करनी है तो नमाज़ करने से पहले अब देखें नमाज अगर इतनी ज़रूरी है वो अहम तरीन है फजल तरीन है अफज़ल तरीन है ये देखिए यहाँ पर खबर अफज़ुल तरीन है तो इसका मतलब है कि वज़ू करना भी फिर हमारे लिए कितना ज़रूरी है वजू भी हम पे फ़र्ज़ हुआ ना ज़रूरी हुआ इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वजू करना फ़र्ज़ है नमाज से पहले ये मैंने इसलिए आपको एक कहानी की तरह बता रही हूँ समझा रही हूँ बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए जा, आपको कोई मुश्किल ना हो और कहानी की तरह हमेशा पढ़ेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी समझ आएगी और आपके दिमाग में चीज़ बैठ भी जाएगी हमेशा बच्चों की याद रखें जब भी कोई टॉपिक पढ़े उसको हमेशा एक कहानी की तरह पढ़ा करें ताकि हमारे दिमागों में जो है वो बैठ जाए और हमें अच्छे से समझ आ जाए क्योंकि जब हम एक कहानी की तरह स्टोरी की तरह उसको पढ़ेंगे तो हमें वो कभी भी नहीं भूलेगी। फिर हमें वो आगे ये कह रहे हैं कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस है ये मैंने आपको बताया था किस तरह पता लगता है हदीस है कि ब्रैकेट में लिखा होता है कि आयत है कि हदीस है तो यहाँ यह ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यह हदीस है तो इसलिए मैंने इसको आपको ये कहा है कि आप हदीस फरमाई है कि तुम में से बग़ैर रुजू किसी शख्स की नमाज़ कबूल नहीं होगी जब तक कि वो वज़ू ना करे इसलिए मैंने आपको ये भी कहा कि हर नमाज से पहले वज़ू करना बहुत हमारे लिए अहम है ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट है अगर हमारा वज़ू नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी जब हमारी नमाज़ नहीं होगी तो हमारी जो इबादत है वो नहीं होगी कबूल हमारी जो दुआ है वो नहीं कबूल होगी तो हमारी जितनी भी मेहनत होगी वो सब जो होगी क्या हो जाएगी ज़ाया हो जाएगी वो बेमायनी होगा उसका कोई मायने नहीं होगा और वो फजूल हो जाएगा हमारा काम जो हम कर रहे होंगे ठीक है तो बच्चों हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ये आपको पता है ना तो इसी तरह हर चीज़ का एक प्रोसेस है इसी तरह एक नमाज अदा करने का भी प्रोसेस है कि सबसे पहले अजान होगी जो मौज़ा होगा वो अजान देगा फिर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम सुन रहे हैं वो नमाज़ अदा करेंगे और नमाज भी हम ऐसे नहीं कि बैठे 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 करने लग जाएंगे नहीं नमाज़ पढ़ने के भी आदाब हैं कि जगह पाक साफ हो हमारा जिसम जो हो ढका हुआ हो हमारे बाल छुपे हुए हों और सबसे अहम जो उसका है एक फ़र्ज़ वो है वज़ू ठीक है बच्चों तो आपने ये याद रखना दें अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबब है वजू हज़र मोहम्मद सल्ह वसम की उम्मत की निशानी है हज़र मोहम्मद सल वम ने शास्त्र माया मेरे उम्मती क़्यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वज़ू के असर से उनके चेहरे और हाथ और पाँव रोशन होंगे ये फिर हदीस है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वज़ू गुनाहों और गलतियों का कुारा है यानी उससे इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं आप सल वम फरमाते हैं जिस शख्स ने खूब अच्छी तरह वज़ू किया उसके जिस्म के सारे गुना निकल जाएंगे ये हमने यहाँ तक पढ़ा ठीक है क्योंकि ये आयत है हदीस है आयत नहीं है हदीस है क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ तो बच्चों को हमें ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वजू है ना वो अल्लाह ताली की मोहब्बत का सबब है जहरी बात है हम नमाज़ पढ़े हैं हम कुरान पढ़ते हैं हम रोज़े रखते हैं हम ये जो सब करें ये इबादत है और हम इबादत क्यों करते हैं अल्लाह ताला के लिए ताकि अल्लाह ताला के अब बताए हुए मसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें उनको खुश करें और हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल हों हम हमारी आखरत अच्छी हो हम नेक एक सीधे रास्ते पर चलें यही सब हमारा मतलब होता है यही सब कुछ हम सोचते हैं यही हमारी नीयत होती है ठीक है और फिर हमारा ये भी दिल करता है दूसरी तरफ कि अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी चीज़ें नवाजी नवाजी हैं इतनी हमें नेमतें दी गई दी हुई हैं हमारे पास हर चीज़ मौजूद है अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए जो चीज़ हमारे पास नहीं भी है तो उस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए तो ये सब क्या है ये मोहब्बत का तकाजा है ना बच्चों मतलब मोहब्बत का एक जरिया है कि हम इसके ज़रिए हम अपनी मोहब्बत अल्लाह ताला को बता सकते हैं तो इसी तरह वज़ू भी जो है वो मोहब्बत है हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने से पहले हम वजू करते हैं तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसको एक तज्जुबी दी है कि जो वजू है अल्लाह की मोहब्बत का सबक है फिर उन्होंने आगे हमें ये कहा है कि जो वजू है वो सलोली वसलम की जो उम्मत है उसकी वो निशानी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हदीस में ये फरमाया कि जो वो उम्मती हैं मतलब कि जो हम सब लोग हैं उनको वो उम्मती कह रहे हैं क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे मतलब कि हम सब जब आख़रत होगी तो ज़ाहिर बात है क़यामत का दिन होगा वो क़यामत जो है बच्चों आख़रत को ही कहते हैं बुलाए जाएंगे तो जो वज़ू करेंगे जो वज़ू करके नमाज़ पढ़ते होंगे उनके जो चेहरे हाथ पाँव जो हैं वो रोशन होंगे मतलब के साफ़ सुथरे होंगे चमक रहे होंगे ठीक है बच्चों तो ये एक हदीस है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है ये हमने याद रखनी है और ये छोटी सी है बहुत आसान है मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बताती हूँ कि क़यामत के दिन जब हम सब बुलाए जाएंगे तो जो हम वज़ू करके नमाज पढ़ते होंगे जो जो लोग वो उनके चेहरे और हाथ पाँव जो होंगे वो पाक साफ होंगे रोशन होंगे चमक रहे होंगे ठीक है तो आपने इस तरह याद रखना है फिर हमें दूसरी तरह बच्चों जब देखें हम वजू करते हैं हम देखें बच्चों एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको मिसाल दे रही हूँ हम जब गंदे होते हैं या हमें महसूस होता है कि हम हमारे अंदर से स्मेल आ रही है हमें अब कपड़े चेंज कर लेने चाहिए अब हम हमें नहा लेना चाहिए हम जो नहाते हैं हम अपने बाल क्यों धोते हैं क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं ना हमें लगता है ये अनटाइटी से हो रहे हैं चीप से हो रहे हैं सही ब्रश भी नहीं हो रहा कुछ लोगों के ऑयली हो जाते हैं तब जो है ना बच्चों ये गंदगी होती है ठीक है हमें गंद गंदगी फील होती है हम नाखून अपने क्यों काटते हैं क्योंकि लंबे हो गए होते हैं गंद होता है उसमें से तो हम काट देते हैं तो इसका मतलब यही है बच्चों के हम साफ़ रहते हैं साफ़ करते हैं उसी तरह वज़ू का भी यही है कि वजू हमें यहाँ कह रहे हैं कि गुनाहों और गलतियों का कफ़ारा है वजू का भी बहुत हमारे लिए अहम है क्योंकि देखिए जब हम हाथ पाँव साफ़ कर रहे हैं मुंह धो रहे हैं जब हम कुलियाँ कर रहे हैं नाक में अपने पानी डाल रहे हैं मुंह में हम अपने पानी डाल रहे हैं तो ये सब जो है इससे हम पाक साफ़ हो रहे हैं और ये एक गुन गुनह साफ होने का हमारी गलतियों का कफ़ारा होने का ज़रिया है इसलिए मैंने उससे पहले आपको मिसाल दी है कि हम हर चीज़ अपनी साफ़ करते हैं नहाते हैं धोते हैं बाल ब्रश करते हैं कपड़े बदलते हैं पाक रहना चाहिए हमें तो ये सब वजू भी इसी तरह है एक ज़रिया है पाक होने का यानी उस इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं इसी मैंने आपको यह कहा है कि गुनाह और गलतियों का गफ़ारा है इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं इसलिए अल्लाह ताला ने हमें आगे फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने खूब अच्छी तरह वजू किया उसके तो जिसम के सारे गुनाह निकल जाएंगे तो बच्चों हमें और क्या चाहिए अगर हम सिर्फ़ एक वजू ही अच्छे से कर लेंगे तो हमारे तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे अब आप देखें हम हम दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं पाँच कौन कौन सी फजर जोहर असर मगरब और ईशा अब हम दिन में कम से कम पाँच दफ़ा तो वज़ू करेंगे ना हर नमाज पढ़ने से पहले तो हमारे कितनी दफ़ा गुना जो है वो झड़ जाएंगे हमारे गुना साफ़ हो जाएंगे तो इसी तरह बच्चों ये आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने नमाज़ पढ़नी है हम तभी वजू कर सकते हैं नहीं बच्चों हम वैसे भी वजू कर सकते हैं ठीक है वैसे मतलब वैसे से मुराद ये है कि जुमे का दिन है ईद का दिन है वज़ू कर लें आप नहा एक मिसाल दे रही हूँ एग्जांपल दे रही हूँ हम नहाने जा रहे हैं ठीक है तो आप वजू कर लें निकलने से पहले तो इन सब से क्या होगा सवाब मिलेगा ना अल्लाह ताली खुश होंगे हमारे गुनाह झड़ जाएंगे हमने जो ज़लतियाँ की होंगी उसकी माफ़ी तलाफी हो जाएगी अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे हमारी आख़रत अच्छी हो जाएगी अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे तो देखें ये छोटी छोटी जो हैं ये चीज़ें हैं ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें ये बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं बातें हैं जो इंसान भूल जाता है इंसान को नहीं याद रहती तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए आपके जहन नशीन हो आप ना भूलें तो इसलिए बच्चों आज से मैं आपको बताती हूँ आपने क्या क्या, क्या अपनी आदतें डालनी है आपने ग़ौर से दोबारा सुनना है ठीक है हम दोबारा इसको रिवाइज़ करेंगे कि हमने अपने पहले पेज में क्या पढ़ा है और हमने क्या याद रखना है बच्चों सबसे पहले तो हमने अपना अपनावान देखना है हमारा जो उनवान है वो वसू है फिर उसके बाद हमने यह देखा कि वजू के लफजी मानी क्या हैं वज़ू के लफ्जी मायने हैं रोशन के हैं फिर हमने देखा कि वज़ू कहते किसे हैं उन्होंने ये कहा हमें बताया कि जिसम के जो मुख्तिफ़ हिस्सों को धोना या साफ़ करने को हम वज़ू कहते हैं फिर वज़ू की अहमियत व फजीलत क्या है ये हमने देखा उसमें हमने ये पढ़ा है कि वज़ू जो है नमाज के लिए फ़र्ज है और वज़ू के बग़ैर जो है हमारी नमाज नहीं होती है और उन्होंने फिर हमें आगे ये बताया कि जो इस्लाम की जितनी भी सारी हमारी इबादतें हैं उसमें जो अफज़ल तरीन जो अहम तरीन इबादत है वो नमाज़ है और जो नमाज हमें अदा करने से पहले वजू करना ज़रूरी है वो हमारे लिए फ़र्ज़ है फिर हमने एक हदीस पढ़ी है कि जो शख्स वजू नहीं करेगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी इसका मतलब ये है कि उसकी नमाज कबूल नहीं होगी तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी तो अगर वो बग़ैर वज़ू की नमाज़ पढ़ भी लेता है बच्चों या हम में से या आप या मैं अगर पढ़ भी लेते हैं तो हमारी जो नमाज है ना बच्चों को कबूल नहीं होनी तो और बहुत से मुझे लगता है लोग ऐसे होते भी होंगे हम में से कि बहुत से लोग कहली शायद करते भी होंगे कि हम शायद वज़ू ना करें या वजू बस चला लें या उन्हें लगता होगा हमारा वज़ू नहीं है तो बच्चों अगर आप डाउट में होना कभी भी वजू है या नहीं है जिस तरह बच्चों अगर हम सो जाते हैं ना अगर हमने वजू किया अगर हम सो गए हैं आधा घंटे के लिए या घंटे के लिए तो जब हम उठेंगे तो हमारा वज़ू टूट जाएगा हमने दोबारा से वजू करना है क्योंकि हम सो चुके हैं तो इसलिए जब भी आप डाउट में हो आपको वहम हो कि पता नहीं हमारा वजू है कि नहीं है मतलब ऐसी कश्म कश में हो तो आप दोबारा वजू कर लें वजू करने में सिर्फ दो तीन मिनट ही लगते हैं फिर वो आगे हमें ये बता रहे हैं मैं अब यहाँ ये वाला पैराग्राफ बता रही हूँ आपको जहाँ पर मैंने एरो बनाया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो वज़ू है वो अल्लाह ताला की एक मोहब्बत का एक सबब है और ये हज़रत मोहम्मद सल्लम की उम्मत की निशानी है उम्मत में हम सब आते हैं हम सब लोग और हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने फिर हदीस में फ़रमाया है कि जो उम्मती होंगे जो हम सब लोगों को होंगे क्याद के दिन जब बुलाए जाएंगे तो जो वज़ू नमाज़ करने से पहले जो वजू करते होंगे उनके हाथ पाँव और जो मुँह होंगे वो रोशन होंगे ठीक है फिर हमें आगे ये कह रहे हैं कि जो वज़ू है वो गुनाहों और गलतियों का कफ़ारा है मतलब कि अगर हम वज़ू करते हैं तो हमारे जो गुनाह हैं और जो हमारी गलतियां हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे और हमारे नेकियों में इजाफ़ा होता चला जाएगा फिर वो हमें एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने खूब अच्छी तरह वज़ू किया उसके तो जिसम के सारे गुनाह निकल जाएंगे ठीक है बच्चों ये इस इस पहले जो पेज की जो है ना समरी है यहाँ तक फिर आगे जो है हम ये पढ़ेंगे जिसमें हमारे वजू के आदाब आ जाएंगे अच्छा बच्चों तो अब जो है हम पढ़ेंगे वजू के आदाब जिसमें हमें छः आदाब उन्होंने बताए हैं तो हम इन सबको बारी बारी पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा अदब जो है अदाब जो है वो ये है कि वजू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए जैसे कि ये हम सबको पता ही है बच्चों कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ये हमने पढ़ा था कि जब भी हमने कोई काम शुरू करना है वो कोई भी काम है तो हमने अल्लाह के नाम से करना है और हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है तो इसी तरह जब हम वजू करने लगे हैं तो सबसे पहले हमने ऐसे ही वजू नहीं करना सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करें और फिर वजू क्या करें और बच्चों आपको पता है जब हम वॉशरूम में दाखिल होते हैं तो वॉशरूम में दाखिल होने की भी एक दुआ है तो अगर जो तो बच्चों को आती है तो आप वो भी पढ़ के जा सकते हैं अगर नहीं आती जिनको तो वो भी याद करके मतलब जाने से पहले आपने दुआ पढ़नी होती है फिर आपने दाखिल होना होता है और जब आप वज़ू करने लगेंगे तो आपने रहमान रहीम पढ़नी है फिर दूसरा आपने सुना होगा बच्चों के हज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं आखिरी मसवाक करते थे आपने नहीं सुना तो आज सुन लें तो वहाँ से ये एक सुन्नत भी है क्योंकि आप अलैहि वसल्लम करते थे तो इसी तरह वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वजू में मसवाक करना सुन्नत है मतलब कि मसवाक बच्चों जिस तरह हम टूथब्रश करते हैं ना चुबह उठ के या रात को सोने से पहले या जिस टाइम भी करते हैं कोई जो भी सब लोग कोई शाम को भी करते हैं कोई लोग दो टाइम करते हैं कोई लोग तीन टाइम करते हैं तो उसी तरह ना मसवाक एक होता है डंडी सी होती है उसको आप ऊपर से थोड़ा छील के और फिर जो है ना उसको दांतों में करते हैं ब्रश की तरह ही समझ लें लेकिन होती है एक लकड़ी की तरह है ठीक है तो ब्रश तो प्लास्टिक का होता है ना इसलिए तो वो मसवाक करना जो है ना सुन्नत है फिर तीन है कि किसी ऐसी जगह पर वजू करना चाहिए कि जिसम और कपड़ों पर छीनते ना पड़े बेशक बच्चों अब इसका बच्चों ये नहीं है कि जब हम कर रहे हैं मतलब कि वज़ू कर रहे हैं तो जो हमारे सारे कपड़े गीले हो जाएं हम पूरे भीग जाएं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए हमें एक दायरे के अंदर रहते हुए वज़ू करना चाहिए जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले दूँ हम सिंक में कर रहे हैं तो हमारा पानी और सब कुछ सिंक में ही रहना चाहिए नहीं कि हम बाहर गिरा रहे हैं हमारे हाथ पाँव भी गंदे और होंगे सारी बातें कपड़े भी गीले होंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये अदब में आता है और ये वैसे भी एक अदब ही है बच्चों कि हमें अपने जो है कपड़े गीले नहीं करने चाहिए पिला बचा फिर चार है पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें बेशक बच्चों ये हमने पढ़ा है कि जो पानी है वो जाया नहीं करते हैं पानी को जाया नहीं करना चाहिए तो इसी तरह वजू के में भी आएगा कि पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें पाँच है वजू करते वक्त बिला जरूरत बातें करना मुनासिब है बच्चों वैसे ही हमेशा बात याद रखना है कि जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं ना तो वॉशरूम में हमें बोलने की इजाज़त नहीं होती ठीक है क्योंकि हम जो हम जो करेंगे हमारे फ्रिश्ते साथ होते हैं हम हमारे अमाल अमार में लिख रहे होते हैं तो पता है आपको बच्चों जब हम वॉशरूम में जाते हैं ना तो जब हम दाखिल होते हैं बाथरूम में तो जो हमारे फरिश्ते हैं ना वो बाहर रह जाते हैं लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो हमारे फरिश्ते हमारे पास वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अमाल नामे लिखने होते हैं तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा अमा है कि वजू करते वक्त बिला जरूरत बातें करना नामनासिब है कोई बहुत ज़रूरी अर्जेंट बात हो तो हम बात कर सकते हैं वरना उसके अलावा जो है हम बात नहीं कर सकते बच्चों ये हमारा पा, पांच नंबर हमारा पांचवा था अदा अब हम छठा पढ़ेंगे अज़ा को धोते वक्त हाथ से ज़रूर मले अब बच्चों ये ब्रैकेट है इसको भी हम पढ़ लेंगे हो सकता है इधर ज़रूरी बात लिखी हो तो उन्होंने कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज की कुंजी वजू है कुंजी उन्होंने ऊपर लिखा ऊपर तो नहीं लिखा लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है रुके मैं आपको थोड़ा फोकस करके बताती हूँ चाबी ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी करके देती हूँ ये देखें ये जो है उन्होंने चाबी लिखा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में कीज़ कहते हैं ठीक है तो आपको मैंने इसलिए बताया है ताकि ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है आप लोगों के लिए कुंजी जिसको चाबी आसान है खीज़ आपके लिए आसान होगा तो कुंजी भी आपने याद रखना है चाबी को कहते हैं फिर आगे है वज़ू की फज़िलियत को ज़हन में रखते हुए हमें चाहिए कि बा वज़ू रहने की आदत अपनाएं उससे ना सिर्फ हमारी जिसमानी सेहत पर नहायत अच्छे असर मरतब होंगे बल्कि उसके साथ बेशुमार फ़ाई बरकतें भी मिलेंगी इसलिए हमें चाहिए कि बा वज़ू रहने की कोशिश करें इसी में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है मतलब कि उनकी खुशी है मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ खुशी और हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है तो बच्चों वो हमें इस पैराग्राफ में ये जो एक दो तीन चार लाइनें हैं वो मैं ब्रैकेट बना देती हूँ वो ये कह रहे हैं कि जो तो वज़ू की फज़ीलत है ना वो ये आपने जहन में रखना है ये बाजार रखनी है कि बवज़ू रहने की आदत अपना आएँ क्योंकि ये एक अच्छी आदत है और अल्लाह ताला ने हमें फ़रमाया भी है इससे जिसमानी सेहत भी हमारी अच्छी रहती है कोई बुरे असरात नहीं पड़ते हम फ्रेश रहते हैं और वह हमें यह कह रहे हैं कि इसके और भी बहुत से फ़जायल हैं मतलब कि इसकी अच्छी चीज़ें हैं और मतलब कि बहुत बेशुमार हमारे लिए फवाद हैं फ़जाइल जो हैं आप फ़ायदे और फ़वाद को भी कह सकते हैं तो ये मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ आपके लिए इसका लब्ज़ी मानी फवाद या फायदे कोई भी कर सकते हैं आप दोनों में से मैंने आपको दोनों लिख दिए और उन्होंने कहा बरकतें भी मिलती हैं बरकत जो है वो बरकत बरकत की जमा बरकतें होती हैं और ठीक है इसी तरह बेशुमार फजाइल और बरकतें भी मिलेंगी फिर हमें यही कह रहे हैं कि हमें बावजूद रहना चाहिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए हम करना चाहिए ये सारी जो है हमारी बरकतों में भी ही आ जाएगा जो आदाब है बच्चों वही हमारी बरकतों में भी आ जाएगा और आप की खुशी भी इसी में है और अल्लाह ताला की भी खुशी इसी में है जारी बात है अल्लाह ताला अगर खुश होंगे तो उनके जो नबी हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे और ये हमारी आखरत की भलाई भी है सारी बात हमारे मालना में अच्छे होंगे हमारी लिस्ट में अच्छे लिखे जाएंगे ज़्यादा होंगे बुरे हमारे काम हो जाएंगे अच्छी आदत होंगी और बच्चों ये देखें जो आप पढ़ते हैं ना आपको चाहिए कि आप दूसरों से भी शेयर करें अगर आपके बड़े बहन भाई हैं छोटे बहन भाई हैं पेरेंट्स हैं कोई भी हैं अच्छी बात हमेशा बच्चों किसी से भी शेयर करनी चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए बड़ा है या छोटा इसको पता होगी नहीं पता होगी हो सकता है इंसान को अगर पता भी हो तो इंसान भूल जाता है इसलिए आपने ये सारी बातें याद रखनी हैं कभी नहीं भूलनी हैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगी ये जो अदाब हैं ये आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करनी है एक दफ़ा हम फिर इसके आदाब को पढ़ लेंगे पहला जो हमारा अदाब है वो है वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए दूसरा है वज़ू में मसाक करना सुन्नत है किसी अच्छा अच्छी जगह पर किसी ऐसी जगह पर वज़ू करना चाहिए कि जिसम और कपड़ों पर चींटे ना पड़ें पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें वज़ू करते वक्त बिला ज़रूरत बातें करना नामुनासिब है अज़ा को धोते वक्त हाथ से ज़रूर मलें ये सब बच्चों हमारे अदाब हैं आपने इसको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और आपको पता है कि जो हम इधर चैप्टर में पढ़ते हैं वो हमारी मशक़ में भी होता है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों अल्लाह हाफिज़